नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज फ्रॉम आरपी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की जो सीईएन सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आई है जनवरी 2019 एनटीपीसी नॉन टेक्निकल की, तो यहां पर आपकी लगभग 35,000 वैकेंसियां हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए लिंक अवेलेबल हो चुका है, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अप्लाई ऑनलाइन करने में थोड़ी असुविधा होती है, शायद वो पहली बार कर रहे होते हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है मेन वेबसाइट जो आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक से मिलेगा। तो इसको खोलते ही देखिए, आपको यहाँ पर जोन जो रेलवे जोन है हमारे भारत में उसके नाम आ रहे हैं। तो आपको कौन सा जोन चुनना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्लीज नोट दैट आरआरबी वन सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार जोन जो आप चुन लेंगे आपको वही उसी में रहना पड़ेगा। तो इसको चुनने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है, दो चीजों पर आप इसे दो मापदंडों पर चुन सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से, करंट लोकेशन के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल साइड में रहते हैं तो आप अलाहाबाद जोन चुन सकते हैं, आप गुजरात में रहते हैं तो अहमदाबाद चुन सकते हैं, मध्य प्रदेश में है तो भोपाल चुन सकते हैं। तो आप अपने मतलब घर के पास रहने के लिए अपने नजदीकी जोन को चुन सकते हैं। दूसरा मापदंड ये है कि वैकेंसीज जहां पर ज्यादा है आप वो जोन चुन सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो है हर जोन में अलग अलग है, कहीं बहुत कम है कहीं बहुत ज्यादा है। तो जितना बड़ा जोन होगा उतना बड़ा आपका वैकेंसी होगा। जैसे कि इलाहाबाद जोन में आपको ज्यादा वैकेंसी मिल सकती है, महाराष्ट्र का जो आसपास का मुंबई का जोन होगा यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी मिल सकती है। वैसे तो सारी वैकेंसी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको आपको सारी जो नॉर्मल डिटेल्स होती है जो आपकी वो वहां पर प्रोवाइड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मैं इलाहाबाद जोन ही चुनूंगा और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो जैसे ही आप आगे आएंगे तो लिखा है जिस योग्यता के आधार पर आवेदन कर रहे हैं वो क्या है, तो आप दोनों भर सकते हैं बारी बारी से। 10+2 वाला भी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो दोनों भर सकते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है तो 10+2 वाला भर सकते हैं। तो हम भरते हैं ग्रेजुएशन वाला। कम्युनिटी आपकी क्या है, तो अनरिजर्व्ड है। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क व्यक्ति है तो नहीं, हम फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है या फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी वैकेंसीज आ गई है इलाहाबाद के हिसाब से। अब इलाहाबाद में देखिए आपका स्टेशन मास्टर का नीचे वैकेंसी होगा, यहाँ पर होगा। अनरिजर्व में देखिए 417 गुड्स गार्ड की है। गुड्स गार्ड की वैकेंसी उतनी बेहतरीन नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज्यादा होता है, आपको नाइट में भी सफर करना पड़ता है, मतलब अनिश्चितता होती है। स्टेशन मास्टर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, पर स्टेशन मास्टर में कभी कभी आपका बहुत ही सुदूर इलाके में किसी छोटे स्टेशन पे आपको स्टेशन मास्टर बनाया जाता है तो वहां पर सुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे आपका जूनियर अकाउंटेंट है, मतलब क्लर्क टाइप की पोस्ट है, इसमें आप जो है मैक्सिमम आपके चांसेस है कि आप डीआरएम ऑफिस वगैरह जो कि एक जगह स्थिर होता है वहां पर जॉब पा सकते हैं और आपके प्रमोशन के चांसेस भी बेहतर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर टू आरआरबी, और भी आरआरबी की जो यहाँ पर पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, जानकारी है, सब यहाँ पर दी हुई है। और अब हम चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आ गया है, सेम चीज आ गया है। तो सीनियर कम टाइपिस्ट सब क्लर्क क्लर्क जितनी पोस्ट है यहाँ पर है, यहाँ पर आपने अप्लाई क्लिक किया तो वैकेंसीज आपको यहाँ पर वो दिखा रहा था, अन्य से आप कंपेयर कर सकते थे पीछे अगर हम बात करें तो। हाँ नहीं, पीछे नहीं जा सकते। तो आवेदन करने से पहले नीचे दी गई जानकारी पढ़ें, तो जानकारी पढ़ लेते हैं। सभी जानकारी सावधानी पढ़े, डुप्लीकेट आवेदन पाए जाते हैं तो आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, मतलब आपको इससे ज्यादा बार आवेदन नहीं करना है। आपको आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन चार्ज एनी ऑफ द डिटेल मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन एक्सपेक्ट, आप अपनी मॉडिफाई भी कर सकते हैं डिटेल्स बाद में भी, बट आपको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, आपको किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड नो चेंज इन आरआरबी जोन शैल बी एंटरटेन फर्दर, अगर आपने एक बार आरआरबी की जोन चुन ली है तो आपको दोबारा उसमें बदलाव करने का मौका नहीं मिलेगा। आप पार्ट वन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ है, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको हम पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर कर देते हैं सबमिट, हमने कर दिया सबमिट, तो यहाँ पर अब सारी डिटेल्स आपको भरनी है। तो चलिए भरते हैं। ये मेरा नाम है, जल्दीबाजी में आप गड़बड़ी ना करें, बिल्कुल दो बार तीन बार देखकर डबल श्योर हो लें, ठीक है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18। उसके बाद आधार कार्ड की स्थिति, आधार कार्ड सबके पास लगभग लगभग है तो यहाँ मैं अपने आधार कार्ड की डिटेल भर दूंगा अभी। तो मेरे आधार कार्ड की डिटेल
जब आप वहां पर सब कुछ ओके करके आगे आएंगे तो आपका ये पेज खुल चुका है जहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरना चालू करना है। तो यहाँ पर आरआरबी चुना गया है, आरआरबी इलाहाबाद, रोहित कुमार पांडे मेरा नाम है। फिर से आपको अपना नाम ही यहाँ भरना होगा, तो मैं अपना नाम भर रहा हूँ, आप अपना भर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, आई हैव आधार कार्ड, बिल्कुल आधार कार्ड है मेरे पास, मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिख देता हूँ। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, मैंने भर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्लास 10th का आपको रोल नंबर भरना है, तो वो भी मैंने भर दिया है रोल नंबर। फिर आपको यहाँ पर उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है, तो मैं पास हुआ था सन 2009 में। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर ऐसा ही डालें जो हमेशा चालू रहता हो, कंफर्म मोबाइल नंबर वो भी डाल दिया, मेल आईडी भी मेरा डाल गया, ठीक है। और एक बार मैं अपना हाई स्कूल का क्रमांक मैच कर लेता हूँ अपने सर्टिफिकेट से, क्योंकि कोई भी त्रुटि बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है, तो मैंने गलत ही डाला था, मैंने इसे सही कर लिया। अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, यू डी कैपिटल में, देखिए इसमें क्या होता है जो जैसा है कैपिटल स्मॉल आपको वैसा ही भरना है, अदरवाइज ये नहीं लेगा। फिर यहाँ आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर चेक करके नीचे आपको क्लिक टू कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको बटन नहीं दिख रही होगी लेकिन है वहां पर, तो आपको यहाँ पर डबल चेक करने के लिए आ रहा है आरआरबी इलाहाबाद रोहित कुमार पांडे, स्पेलिंग वगैरह सही देख लें, तारीख देख लें, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देख लें, सब सही है लगभग, हाँ सब सही है, तो मैंने इसे कर दिया जमा करें। अब यहाँ पर दिया है कि आपको वेरीफाई करना है ओटीपी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर आपको देखिए मेल का भी ओटीपी डालना है और आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को भी डालना है, तो मोबाइल पर तो मेरे ओटीपी आ गया है, मैं उसको तुरंत डाल देता हूँ। मेरा ओटीपी है 91975। उसके बाद अब मेरे मेल पर क्या ओटीपी आया है वो जो मेल पे जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अपनी पंजीकृत मेल आईडी डाल दी है और यहाँ पर मैं अब अपना मेल देखता हूँ कि क्या उसमें आया है। तो मेरा ईमेल का ओटीपी भी मुझे मिल चुका है, वो है 1082, मैंने भर दिया। और यहाँ पर अब आपको फिर से कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर लगभग कैपिटल लेटर्स ही हैं सारे और नीचे सबमिट बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर पंजीकरण संख्या आ गया है, तो इसका सबसे पहले जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप ये जरूर ध्यान रखें, आपके मोबाइल पे भले मैसेज आता है, मेल आता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास मोबाइल हो तो इसका फोटो जरूर खींच के रख लें, क्योंकि डेट वाइज आपको खोजने में अपने मोबाइल में आसानी होती है, या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें या कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी पंजीकरण संख्या आपको भरकर लॉगिन करना है, तो हम पंजीकरण संख्या भरते हैं। पंजीकरण संख्या हमने भरी 13 और डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ भी मैं अपना भर देता हूं। और यहाँ पर भरना है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड कई बार भरना है क्योंकि देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आ गया है कि मैं ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अक्वायर्ड इन 10+2, मेरा बारहवीं में कितना परसेंट मार्क्स था ये हमें बताना है, तो मेरा मार्क्स था उसके बाद कम्युनिटी अनरिजर्व्ड मेल और सारी कम्युनिटी में, इसमें इकोनॉमिक बीकर सेक्शन है जिसमें आपका जो 10% वाला जो भी मोदी जी ने पास किया है 10% आपको गरीब सवर्णों मतलब गरीब में जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आते थे, तो अब वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि 10% रिजर्वेशन है उसमें आएंगे। उसके बाद मेल, उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर आपको अपना धर्म लिखना है, फिर नो, उसके बाद नो, उसके बाद ये भी नहीं, आर यू एम्प्लॉय इन स्टेट गवर्नमेंट, नो टिल नाउ तो नहीं, ये भी नहीं है, क्या आप कार्यालयों में कर्मचारी हैं, नहीं, क्या आप आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, नहीं। तो अगर आप संबंधित हैं, आपने अपना आय प्रमाण पत्र बनवा रखा है, तो आप जो है
इसमें अप्लाई कर सकते हैं, परंतु मेरे पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो मैं इसमें अपना यस नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें नहीं आते हैं आर्थिक पिछड़े वर्ग में। तो यहाँ पर फिर आ गया आपका भुगतान का प्रकार। तो यहाँ पर भुगतान के प्रकार में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो मैं बैंक चुनूंगा। अब भुगतान करें पे नाउ, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग वगैरह की सारी सुविधाएं आ गई हैं, आप चाहे जैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको नेट बैंकिंग चूज करता हूँ। फिर यहाँ पर यूजर नेम, तो ये मेरा नेट बैंकिंग डिटेल्स है, मैं इसको आपको शो नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मैं लॉग इन करने के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू कर। तो दोस्तों मैं लॉग इन कर चुका हूँ, यहाँ पर लॉग इन करते ही सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पर आ चुकी हैं और मैंने यहाँ कर दिया कंफर्म 500 रुपी ओनली और पेमेंट हो गया है। पेमेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मैं पहुंच 10 सेकंड में ये वेबसाइट अपने आप आरआरबी की वेबसाइट पर पहुंच जाएगी। और आप अपना रिफंड, जैसे इसमें है नियम कि अगर आप टीयर 1 एम्प्लॉय में मतलब जाते हैं तो आपके जो 400 रुपए है वो वापस आ जाएंगे, 100 रुपए ही यहाँ पर आपकी फीस लगेगी। तो मैंने लिख दिया यस, मुझे इसी खाते में मेरा पैसा चाहिए। अगला, फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस डालना है कि विच पोस्ट यू वॉन्ट टू टेक फर्स्ट एंड विच पोस्ट यू वॉन्ट टू टेक इन लास्ट। तो प्राथमिकता सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा यहाँ पर कैटेगरी लिखनी होगी क्या, तो प्राथमिकता सेट करें, तो चलो सेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लिखना है। तो सबसे पहले मैं तो स्टेशन मास्टर के लिए करता हूँ। स्टेशन मास्टर में थोड़ी सैलरी अच्छी है, इसको 2 कर देते हैं, एनसीआर में वैकेंसी ज्यादा है। उसके बाद ये सही है, इसको भर देता हूँ। इसके लिए आप क्या करें कि एक साइड में अपने मोबाइल में पूरी वैकेंसी डिटेल खोल कर रख लें, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा कि वैकेंसीज किस हिसाब से हैं और आपको किस हिसाब से भरनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा होता है कभी आप पता लगा एक सीट वाले पे भर दे रहे हैं प्रेफरेंस फर्स्ट और आपका फर्स्ट रैंक नहीं आ सकता, तो उस केस में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आरआरबी इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद की जो वैकेंसीज हैं लगभग 4,000 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर तो हमने अनरिजर्व के लिए देखना है, तो अनरिजर्व के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज स्टेशन मास्टर्स की थी, गुड्स गार्ड की हैं, उसके बाद कुछ खास वैकेंसीज अब नहीं है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में ज्यादा वैकेंसीज दे रखी है इन्होंने, तो दोस्तों मैंने अपनी सभी जो है पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर लिया है। इसमें थोड़ा टाइम लगा इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, फिर से मैंने शुरुआत किया। नीचे आपको एक टिक करके साथ एक्सेप्ट का बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए और सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, बोर्ड आपने किस बोर्ड से जो है मैट्रिक पास की है, तो मैंने स्टेट बोर्ड से पास की है जिसको यूपी बोर्ड बोलते हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, उत्तीर्ण होने का ईयर है, प्रतिशत तो मैं भरूंगा यहाँ पर, मेरा प्रतिशत यहाँ पर 61.16 इतना ही प्रतिशत मुझे मिला था। एक बार क्रॉस वेरीफाई हर चीज को कर ले आप कितना भी कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि धोखा आदमी खा जाता है। एकदम सही। उसके बाद पासिंग होने का समय 2009 में 10 पास किया, 2011 में मैंने इंटर पास किया। ग्रेजुएट में यहाँ पर सारी डिग्रियां आ गई हैं लाइन से, तो आपने जो करके रखा है उसको चूज कर ले। तो मेरा तो नॉर्मल बीएससी डिग्री है यहाँ पर, है क्या यहाँ पर BA LLB BBM BCA BCOM BD दुनिया भर की वेबसाइट है, ये रहा बीएससी। विषय मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैं उसको भर देता हूँ, ठीक है कंप्यूटर साइंस भर दिया। स्टेट में उत्तर प्रदेश, जिला में बनारस, उत्तीर्ण होने का ईयर 2015। उसके बाद प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत मेरा था 61.62.27, 61.27 यही प्रतिशत था। मातृभाषा हिंदी, परीक्षा भाषा की पसंद, पसंद तो भाई परीक्षा की मेरी
इसमें जो आने वाला है उसके हिसाब से इंग्लिश वुड बी गुड फॉर मी। अरे पंक्ति एक ही में समट गया मेरा, ऐसा करता हूँ उसको यहाँ से कॉपी करके कट कर ले, कट तो हो नहीं रहा, हो तो गया नवलपुर बसिंग उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो ये एक शहर है, वाराणसी में ही पड़ता है, इनको नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका दिया है कि किस तरह की फोटो यहाँ स्वीकार्य होगी, तो मेरे पास एक फोटो है, देखते हैं एक्सेप्ट करता है या नहीं। कर लिया है, अच्छी बात है, देखिए अच्छी फोटो है, सारी चीजें क्लियर है। ये सब आपका देखिए आपका वो एलिजिबल नहीं है, सिग्नेचर भी मैंने कर दिया है, सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, यहाँ पर आ चुका है रोहित कुमार पांडे। तो देखिए यहाँ पर कलरलेस फोटो नहीं चलेगी, मुंह पे नहीं कुछ बना होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कुछ हो, ब्लरी हो, चश्मा लगा हो और सामने से सीधी फोटो ना हो, तो ये सब आप बिल्कुल भी देख लें। उसके बाद यहाँ पर आ गया है और मेरा आवेदन कंप्लीट हो चुका है शायद। फिर यहाँ पर लग रहा है मेरे माउस की जो है बैटरी खत्म हो गई, इसीलिए वो बीच बीच में काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे सेव करने के लिए आ जाएगा। तो मैं इसे ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म में एक फोल्डर मैंने बना के रखा है, यहाँ पर RRB अलाहाबाद ग्रेजुएट नाम का फोल्डर। अब एक बार लॉगिन करके सारी चीजों को देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको एक बार पूरा डिटेल मैच कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई भी आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आप उसको 100 रुपए की फीस देकर के एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सुविधा आपको RRB ने दे रखी है। उम्मीद है लेकिन आप कोई गलती नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है और आपने इसमें देखा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि मैं भी ये फॉर्म पहले ही बार भर रहा था, तो जो जो मैं जहां जहां फंसा, तो हो सकता है आप भी वहां वहां फंस जाते। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप सही सलामत उसको आप भरिए और आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें जॉब जरूर पाएंगे अगर आपने कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी की। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। भविष्य में भी और सारी जो भी जॉब्स आती हैं उनको जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे जॉब्स के बारे में आपको बताते रहते हैं, साथ में उससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी असुविधा हो या फिर कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कृपा करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।